नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमार शास्त्री हूं। प्रिय देशवासियों, श्रद्धामयी मातृशक्ति, अर्चनीय वंदनीय मातृशक्ति, धर्मानुरागी सज्जनों, बालकों, प्रिय बच्चों, भाइयों एवं बहनों, आज मैं जो आप सभी से बात करना चाहता हूं वह बहुत ही गूढ़ रहस्यों से युक्त है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल रविवार के लिए सभी को संबोधन किया है और उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि रविवार के दिन आप लोग अपने घर के अंदर रहें, घर से बाहर ना निकलें। यह एक जन अभियान है जिसका नाम जन कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू दिया गया है और यह बिल्कुल उपयुक्त ही है। देखिए, आज जो कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है, अमेरिका, जर्मनी जैसे, चीन जैसे देश इससे वंचित नहीं रह सके और वहां से बढ़ता हुआ वह वायरस भारत में भी आ गया है। यद्यपि विज्ञान की दृष्टि से देखें तो बहुत दुविधा की स्थिति हो गई है और विज्ञान ने अभी तक इसका कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया। वैज्ञानिक हमारे प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं उस कार्य के लिए और हमें पूरी आशा है कि वो बहुत जल्दी ही इसका निदान भी ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन हमें उन अपने प्राचीन भारतीय ऋषियों का धन्यवाद अवश्य करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यह वर्तमान समय में जो संबत चल रहा है, इस संबत का नाम है परिधावी नाम संबत। और इस संबत में यदि आप पंचांग को उठा करके देखें तो संबत का जहां फल वर्णित किया गया है वहां पर पहले से ही ऐसा वर्णन किया गया है कि संबत में इस रोग के आने की संभावना है और शेयर बाजार गिरेगा। इसका वर्णन पंचांगकर्ताओं ने पहले ही ज्योतिष के गणित के माध्यम से सबको सजग किया है, लेकिन किसी ने भी पंचांग को ठीक से पढ़ा नहीं। आज वह स्थिति हमारे सामने आ चुकी है। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। अब ऐसी स्थिति जब सामने आ ही गई है तो उसके लिए हमें करना क्या चाहिए, उसका उपाय क्या है, उसका वर्णन भी हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में किया है। और ऐसी स्थिति के लिए जहां पर प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया है, अनुरोध किया है, प्रेरणा किया है और उनकी प्रेरणा जन कल्याण से युक्त है, जन कल्याण के लिए है, हमारे आपके लिए है, तो हमें कल रविवार को जब हम जनता कर्फ्यू के कारण घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, तो हमें घर में रह करके कम से कम 10 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है। महामृत्युंजय मंत्र का जप हो सके तो रुद्राक्ष की माला में करें, यह 52 अक्षर का मंत्र है और असाध्य से असाध्य रोगों के लिए ही हमारे ऋषियों ने इस मंत्र का निर्माण किया है। महामृत्युंजय मंत्र शुद्ध किस तरीके से है आप इसको पहले समझ लीजिए, आगे और पीछे बीज का प्रयोग अवश्य करना है मंत्र में, जिस प्रकार मैं बीज के साथ उस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं। ओम ह्रूं ओम जुं सः भूर्भुवस्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् प्रत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वा भुवा भू सः जुं ह्रूं ओम। यह शुद्ध महामृत्युंजय मंत्र है। इसका जप करने से असाध्य से असाध्य रोगों से भी छुटकारा मिल जाता है, जिसका वर्णन हमारे ऋषियों ने पहले ही वेदों में किया हुआ है और बड़ा सरल मंत्र है।
प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध होकर के आसन पर बैठ करके अपने घर के मंदिर में आपने 10 माला कम से कम संख्या है, अधिक से अधिक आप जितना हो सके कर सकते हैं, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके अतिरिक्त भी आपके पास समय है तो आप पूरे परिवार के साथ बैठ जाएं और पूरे परिवार के साथ बैठ करके श्री रामचरितमानस में वर्णित पंचम सोपान सुंदरकांड का पाठ करें। और इस सुंदरकांड का पाठ करने से इसमें हनुमान जी की शक्ति निहित है और हनुमान जी की शक्ति के कारण किसी भी प्रकार का, क्योंकि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता श्री हनुमान जी महाराज है, उनकी कृपा से सभी प्रकार के रोग नष्ट होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करें। तुलसीदास जी ने स्वयं हनुमान चालीसा में लिखा है कि नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और जो इस संक्रमण से प्रभावित हो चुके हैं, ध्यान से सुनना मात को, ध्यान से समझना, जो इस संक्रमण से प्रभावित हो चुके हैं या जिनको संदेह है बाहर विदेशों से आ रहे हैं, क्योंकि यह रोग भारत में विदेशों से आ रहा है, यह भारतीय रोग नहीं है, विदेशों से भारत में इसका प्रवेश हो रहा है, तो इसलिए उनको क्या करना है, उनको हनुमान अष्टक का पाठ करना है। हनुमान अष्टकम का पाठ करने से बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताही सुत्रास भयो जग को यह संकट काहू सुजात नटारो। इसका पाठ करना है। और लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव धनंजय जय जय कपिसूर। यहां पर जाकर के इस पाठ को समाप्त करना है। कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो इससे संक्रमित हो चुके हैं और जिनको, जिनका इलाज किया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा, भारतीय डॉक्टर जिनको इलाज कर रहे हैं, उनको हनुमान बाहु का पाठ करना है। हनुमान बाहु, तुलसीदास जी के शरीर में जब अत्यंत वेदना हुई तो उन्होंने हनुमान बाहु का पाठ किया और हनुमान बाहु के पाठ से वह सर्वस्त रोग नष्ट हो गया। बहुत शीघ्र फल देने वाला है, उनको हनुमान बाहु का पाठ करना है। और अधिक कर सकते हैं तो अपने घर में आचार्य को, विद्वान आचार्य को बुला करके भगवान शंकर का पंचोपचार पूजन और घर में ही पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका प्राण प्रतिष्ठा करने के उपरांत रुद्राभिषेक करें। शुक्ल यजुर्वेदी रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से 1-1.5 घंटे का समय लगता है। तो इस प्रकार से जो आपके व्यस्तता का समय है, जो आप प्रतिदिन अपने कार्य में जाते हैं और कल आपको नहीं जाना है, तो घर में आप रह करके अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं और बड़े से बड़े इस कोरोना वायरस से आप जो है, जो असाध्य रोग है जिसका अभी तक कोई इलाज ही नहीं विज्ञान में निकला, तो उससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। आपका समय भी इसमें से पास हो जाएगा और उस कोरोना वायरस से भी आपकी का बचाव भी हो जाएगा। इसलिए आप जो मैंने आपको उपाय बताया है, इसमें कुछ लगना नहीं है। भगवान शंकर का पूजन अर्चन करने से सभी रोगों का विनाश होता है, सभी रोग नष्ट होते हैं, तो आप लोग इसको अवश्य करें। शंकर जगत बंधु जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। तुलसीदास जी ने असाध्य रोगों से छुटकारा पाने के लिए दो ही उपाय बताए हैं, मंत्र महामणि विषम व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। एक मंत्र है और एक मणि है। मंत्र का मतलब मन्ना त्रायते इति मंत्र, मन ही मन में जिसका उच्चारण करने से वह जो समस्त बाधाओं से, समस्त दुखों से छुटकारा करा दे, उसी को मंत्र कहते हैं। तो आप इन मंत्रों का प्रयोग करें, इनका उच्चारण करें, इनका जप करें, निश्चित रूप से भगवान शंकर की कृपा से आपको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा।
बहुत बड़ा लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।